संभालो अपनी सीमा को, मैं इसको यहाँ छोड़ने आया हूँ। वाह सचिन वाह, पहले पबजी खेल के प्यार के जाल में फंसा लिया, अब मन भर गया तो इसे छोड़ने आ गए। ठीक है छोड़ जाओ, लेकिन एक शर्त है, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें बोलना होगा। बोलो क्या बोलना होगा? तो बोलो का है सचिन में? का है सचिन में? बोलना वहाँ पे आवे ना। बोलना वहाँ पे आवे ना। लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा। अरे पेड़ के लंदन, ऐसी ऐसी बकचोदिया क्यों कर रहे हैं आप? जब से ये मेरे भारत आई है, मेरे पड़ोस के जलनखोर आंटियों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। कोई जिंगर बोल रहा है, कोई मेंढक बोल रहा है, कोई चूहा बोल रहा है, कोई टिड्डा बोल रहा है। अरे बहुत हो गया बर्दाश्त। अगर तू लप्पू सा सचिन नहीं बोल सकता तो ले जा इसे वापस। बस बहुत हुआ, अगर मैं इसे फालतू की दो चार शायरियां सुना के पटा सकता हूँ तो आईएसआई का एजेंट बोल के फंसा भी सकता हूँ, जिसमें तुम्हारी भी गांड कुट सकती है। हाँ तो, लेकिन अपने चार बच्चों को तो तुम रखोगे ना? अरे ओए बहन के पप्पू, मैं कोई तुझे गली का सुअर लगता हूँ जो एक महीने में चार बच्चे पैदा कर दूंगा? ये इसी के साथ आए थे, जा रहा हूँ, माँ का बोहड़ा नहीं खेलना पबजी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ क्या हुआ था तेरे से? बिना किसी सुनवाई के मुझे दो सीटें रह दिया गया, ये कहाँ का न्याय बासमती? सॉरी बासमती। वास्तव में क्या हुआ था सेतुपति? दारू का दुकान दारू पीने वाला से भरा हुआ था, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने देवसेना से कहा मेन गेट की जगह चलाता है साला, तभी मैंने देवसेना से कहा कि मेन गेट की जगह खिड़की से आए। तुम बताओ देवसेना क्या हुआ था? दारू की दुकान में हम सब औरतों को एक तरफ बुलाया और वो हमारी पीठ खुजला रहा था, इसलिए मैंने उसके नाखून काट दिए। गलत किया देवसेना, औरतों के हाथ डालने वालों के नाखून नहीं काटते, काटते उसका। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम।